मुरादनगर की इस सड़क को चौड़ीकरण करवाने के लिए इन 50 गांव के किसानों ने की पैदल यात्रा। गाजियाबाद के कस्बा मुरादनगर से टीला मोड़ लोनी तक जाने वाली 18 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की मांग को लेकर विकास संघर्ष समिति की ओर से आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके तहत जन जागरण अभियान के दूसरे चरण में जन चेतना यात्रा यानी पदयात्रा निकाली गई। मुरादनगर सरना चोपला से लोनी टीना मोड़ तक निकाली गई जन चेतना यात्रा को समिति अध्यक्ष चौधरी आजाद प्रमुख ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उक्त जन चेतना यात्रा में 51 लोगों ने भाग लिया। पदयात्रा का संचालन कोविड-19 एवं सोशल डिस्टेंस के प्रावधानों एवं निर्देशों के अनुसार किया गया। सभी ने 2 गज की दूरी एवं मास्क का इस्तेमाल करते हुए यात्रा पूरी की। पाइपलाइन रोड पर स्थित प्रत्येक गांव के सामने ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत करके बाद सभी ग्रामवासी अगले गांव की सीमा व्यवस्था थी, जिससे पदयात्रियों ने अपनी यात्रा को बड़े जोश और उमंग के साथ पूरा किया। हिंडन नदी के पुल के बाद सिरोरा मोड़ तिराहे पर किसान नेता बबली कासानंद के नेतृत्व में क्षेत्र के प्रधानों एवं ग्रामीणों ने पदयात्रियों को भोजन कराया। पदयात्रा में 50 गांव के ग्रामीणों ने भाग लिया, जिनमें किसान, मजदूर, अध्यापक, छात्र, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं पूर्व सैनिक, समाज सेवी, शिक्षक, युवा एवं महिलाएं शामिल रही। गाजियाबाद से अफशारुल्लाह की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। आदाब, मैं अफशारुल्लाह आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइमेटी न्यूज चैनल पर। आखिरकार लगातार किसानों की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, किसी के मुआवजे को लेकर, किसी की चौड़ी सड़क को लेकर और बहरहाल किसी को फसलों को लेकर। आज हम मुरादनगर के क्षेत्र पे पाइपलाइन रोड पर हैं, जहां पर एक किसान समुदाय जो है वो अपनी मांगों को लेकर चल रहा है। पहले हम उनके जिलाध्यक्ष से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर मांग क्या क्या है। जी, मैं बबली कसाना हूँ, किसान एकता संघ का अध्यक्ष। ये जो हमारी विकास संघर्ष समिति है, उसके सलेख त्यागी जी जो सचिव हैं, सलेख भैया जी, इनके नेतृत्व में यहाँ पे 51 गांवों से लोग आए हुए हैं जो 36 बिरादरियों से बिलोंग करते हैं। ये रोड है तो दिल्ली शहर, मेरठ, देहरादून तक जाने के लिए, लेकिन 51 गाँव इतने प्रभावित है, इतने दुखी हैं कि यहाँ इतने खड्ढे हो रहे हैं सदियों से। बार बार दुनिया की रोड बन जाती हैं, लेकिन ये रोड कभी भी जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक बिना धरने के बनी नहीं। जब तक पूरी समिति, चाहे दिनेश त्यागी जी हो, वंदना चौधरी जी हो, प्रमुख साहब हो, सलेख भैया जी हो, जब तक महीने दो महीने धरने पे नहीं बैठते तो ये कभी रिपेयर होती ही नहीं है। अब हमारी विकास संघर्ष समिति का ये निर्णय लिया है, सब नेताओं को चिट्ठी दे ली, सब अधिकारियों को चिट्ठी दे ली कि जब तक इस रोड पर काम नहीं चलेगा, जब तक हम धरने पे यहाँ बैठे रहेंगे। आज हमने, हमारे सचिव साहब ने निर्णय लिया कि मुरादनगर से टीले मोड़ तक नियमों को फॉलो करते हुए सब लोग विकास संघर्ष समिति के नेतृत्व में पदयात्रा निकालेंगे और आने वाली 1 तारीख को बाइक रैली होएगी। 51 मोटरसाइकिल इधर से चलेंगी, 51 उधर से चलेंगी, जो कि 51 गाँव में घूम के आएंगी। और 2 तारीख में हम एक महासभा करने जा रहे हैं पाइपलाइन रोड पर। उसके बाद ये सभा, ये यात्रा, ये बाइक रैली धरने में बदल जाएगी। जब तक काम नहीं चलेगा, हम सलेख भैया जी के नेतृत्व में धरने पे बैठे रहेंगे। मेरा ये सवाल है कि आखिर ये जो पाइपलाइन रोड आप बता रहे हैं, आखिर ये कितने गांवों को जोड़ती है? ये 51 गांवों से तो सीधे संपर्क में है और लगभग 100 गांव इससे जुड़े हुए हैं, संपर्क मार्गों से जुड़े हुए 51 गांव हैं जिनके लोग हमारे साथ हैं और पूरी उसके साथ है। ये गाजियाबाद का बाईपास भी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इस सड़क को, लेकिन आज तक जब से, आज तक जितनी बार भी इसमें मरम्मत की गई है, जब तक आंदोलन नहीं हुआ नहीं हो पाई है, इसलिए हमने पुनः आंदोलन की तैयारी करी है और आंदोलन हमारा आखिरी दम तक रहेगा। जब तक काम शुरू नहीं हो जाएगा, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। अगर अधिकारी आपकी बातों को लेकर अगर सीरियस नहीं हुए या फिर आपकी मांगों को नहीं कर पाए, तो उसके लिए आगे क्या कार्रवाई रहेगी? उसके लिए हम 2 तारीख में, 2 अक्टूबर को पंचायत हो रही है, ग्रामीण पंचायत, उसमें अगली अग्रिम रणनीति की घोषणा की जाएगी। बिल्कुल सही बात है कि आखिर किसान कब तक अपनी मुश्किलात के साथ समझौता करता रहे। अभी भी हम जिस रोड पर हैं, मैं जहां खड़ा हूं वहां पर देखिए वो गड्ढा भी है, लेकिन ये मांग बिल्कुल जायज़ है और कहीं ना कहीं अधिकारियों को इस बात पर गौर देनी चाहिए। कैमरामैन इरफान।